दोस्तों बोर्ड एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है, वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी एग्जाम की तैयारी अभी तक कुछ खास नहीं हो पाई है, या कहीं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे एग्जाम से एक या दो दिन पहले फॉलो करके आप एग्जाम में पास हो पाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा तरीका है। अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है और आप चाहते हो कि बस मैं तो पास हो जाऊं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो कैसे अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चाहे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो या ना हो, ये वीडियो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो एग्जाम के एक या दो दिन पहले पढ़कर एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हो, तो केवल तीन चीजें ही आपको एग्जाम में पासिंग मार्क्स दिलवा सकती है। टिप नंबर 3, लास्ट 3 to 4 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चूंकि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अब आप क्लास की बुक्स तो पढ़ ही नहीं सकते, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे कि हमारा सिलेबस तो चेंज हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कुछ काम नहीं आने वाले हैं, तो ये बात सरासर गलत है। सिलेबस चेंज होता है तो कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो कुछ सिलेबस में से हटा दिए जाते हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें वही पुरानी वाली रहती है। ऐसे में आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र सॉल्व करके एग्जाम में पास हो सकते हो। क्वेश्चन वही रहेगा, बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा। इसीलिए अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही पास करवा सकते हैं। इसके अलावा एक काम और हो सकता है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो भी टीचर्स हैं, उनसे बोलो कि आप मुझे ऐसे प्रश्न लिखवा दो जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टिप नंबर 2, प्रेजेंटेशन। दोस्तों, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, जिनकी एग्जाम की तैयारी कुछ खास नहीं होती है, इसके बावजूद भी वो एग्जाम में आपसे ज्यादा नंबर स्कोर कर लेते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस जरूर की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनके पेपर प्रेजेंटेशन के तरीके के कारण। जितना जरूरी पढ़ना है, उतना ही जरूरी या कह लो उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने ज्ञान को एग्जामिनर के सामने कैसे डिलीवर करते हो, कॉपी में कैसे लिखते हो। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपको पेपर में कुछ मार्क्स वैसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा काटाफीसी नहीं करनी है, जो आंसर पहले आए वो पहले कर सकते हो। नया सेक्शन नए पेज से शुरू करना है, इजी लैंग्वेज यूज करनी है, शुरुआत में हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। इसके अलावा टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। टिप नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, डाउट है कि मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, मेरा पेपर कैसे होगा, तो फिर अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है, तो आपको एग्जाम में कम नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपको खुद के ऊपर भरोसा है, तो फिर आप तुक्के भी मारोगे। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आपके तुक्के भी सही जाएंगे। इसके लिए आप खुद के मन को बोल सकते हो कि देख भाई, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये ऊपर वाला जाने। खुद के ऊपर भरोसा रखना और फिर पेपर अटेम्प्ट करना, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी तैयारी ठीक ठाक है और वो अपने नंबर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले इन बातों को फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 3, जल्दी सो जाएं। एग्जाम से एक दिन पहले देर रात तक ना पढ़ें, जल्दी सो जाएं, क्योंकि कल आपका पेपर है। आपको पेपर सॉल्व करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी तभी आएगी जब आप ब्रेन को बॉडी को रेस्ट दोगे, और रेस्ट और एनर्जी आती है स्लीप से। देर रात तक जाकर नहीं पढ़ना है, जितनी पढ़ाई हो चुकी है बस उसको रिवाइज कर लेना और फिर 10 बजे से पहले पहले सो जाना। 6 से 7 घंटे की नींद लेकर ही एग्जाम देने जाना। टिप नंबर 2, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि बता तेरी तैयारी कैसी है, तूने क्या क्या पढ़ा है। ऐसे में अगर आपके दोस्त ने बोल दिया कि मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और मान लो आपने उनमें से कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, तो आपको टेंशन हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए दोस्तों से ज्यादा बातें मत करना, ना तो पेपर देने के बाद और ना ही पेपर देने के पहले। टिप नंबर 1, राइट द आंसर टू द पॉइंट।
दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपने किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मान लो एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख देंगे और बहुत सारी बातें उसमें लिख देंगे। ऐसे में टाइम भी बर्बाद होता है और चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हैं एग्जामिनर उनमें गलतियां ढूंढ लेगा। इसीलिए आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। तो दोस्तों, अब वीडियो को समराइज करते हैं। देखो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो आंसर टू द पॉइंट लिखना है। स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। एग्जाम से एक रात पहले जल्दी सो जाना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। खुद को विश्वास दिलाना है कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और एग्जाम का डर दूर भगाओ। और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।